अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल का बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत टेस्टी बनके तैयार होगा और झटपट बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए हमने चिकन वॉश किया है, उसमें सॉल्ट, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगाया है। और इसको लगाने के बाद हम हाफ एन आवर के लिए इसको मैरिनेशन करके रख देंगे फ्रिज में। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। इसके लिए मैंने टोमेटो लिए हैं, कैशू नट लिए हैं और इसका मेन इंग्रेडिएंट अनियन लिया है। और उसके बाद सॉल्ट, बटर और कुछ गरम मसाले मैंने, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब लिया है। इसको बॉईल करने के बाद मैं एक साइड में रख दूंगी। अभी सेकंड मैरिनेशन तैयार करूंगी। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डालकर 1 कप कर्ड इसके अंदर डाल दिए। थोड़ा सा मैं सॉल्ट इसमें ऐड करूंगी, एक लेमन जूस ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मैं फेंटकर इसे ब्लेंड करूंगी। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको इस मिक्सचर को मैं अपने मैरिनेशन हुए चिकन में सेकंड मैरिनेशन के लिए डाल दूंगी। अब मेरी सेकंड मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब ये मैरिनेट होने के लिए हाफ एन आवर के लिए मैं फ्रिज में फिर कर रख दूंगी। अब जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी, उसका जो मैंने टोमेटो और अनियन को बॉईल किया था, वो मैं इसके अंदर पीस लूंगी। पीसने के बाद मैं इसको छलनी की हेल्प से छान लूंगी और छानने के बाद इसको मैं बनाऊंगी। इसके बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में बटर लिया, उसमें रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर डालकर उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रेवी का ये डाल दिया था। ऊपर से मैंने जो मैंने मैरिनेट किया था, उसको मैंने एयर फ्रायर में तंदूर करने के लिए रख दिया था। वो मेरा तंदूर हो चुका है। मैं इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 स्पून शहद का डाला है। उसके बाद मैं अपना तंदूर हुआ हुआ चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसमें मैंने कसूरी मेथी ही डाली है। और डालने के बाद ही मेरा बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। मैं इसको धुआं दे रही हूँ। उसके लिए मैं इसको मार्केट जैसा बनाने के लिए इसके अंदर मैंने कोल रख दिया है और इसमें मैं घी का 1 टेबल स्पून डालकर इसको ढक दूंगी। और अब ये मेरा बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ईजिली बन जाता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।